एक्सपीरियंस था आपका पालने का, इस साल कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा, भी शहर में आओ और ले जाओ फिर रात को 1 बजे 12 बजे। ये अपना वाला है जो इंसान करते हैं। अच्छा, आपने जो है क्रेन से जो है उतार दिया था माल अपना, वो भी इतनी जगह से, तो इस साल क्या सीन है? क्रेन से उतारेंगे। नहीं करो यार, क्रेन से ही उतारोगे साल में। और कुत्तर पे हाँ नसीब नहीं पलता, माल खिलाता तो इंसान नसीब पलता। सामने दोस्तों एक और न्यूडी साथ हूँ, मेरा नाम है उदय, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई एक ऐसी जगह पे जो कि मुझे पिछले साल से जो देख रहे ना भाई, तो वो तो एक जगह देख के पहचान गए होंगे। तो भाई वो मतलब मैं थोड़े पहले जो ना मतलब उन बंदे से मिलवाने से पहले जो एक पहले अपना थोड़ा वो एक बता देता हूँ, मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ मैं समझेंगे मैंने पिछले साल एक वीडियो डाली है और चैनल पे जो है मतलब एक तरीके से मतलब ऐसे व्यूज़ जो है ऊपर गए हैं कि आप लोग सोच रहे पीछे बकरे हैं और कुछ मामला नहीं है। बाकी मैं उस भाई को बुला लेता हूँ। सलामुअलैकुम, कैसे हैं आतिफ भाई? ठीक हैं भाई? बहुत से लोग जो मेरे चैनल पे अगर वीडियोस वगैरह देखते हैं मतलब पिछले साल से देख रहे हैं ना, वो तो ज़रूर जानते होंगे, हालांकि सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी। और ये जो है आतिफ भाई, कैसा रिस्पॉन्स था? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। हाँ, तकरीबन समझे एक दिन ही बाद माल सो मतलब आप रात को मैंने 8 बजे वीडियो डाली और सुबह 1 बजे मेरे पास पार्टी आ गई थी तकरीबन। भाई आतिफ भाई के बाद मौजूद है हम आतिफ भाई की छत पे, ठीक है, रूफ टॉप की बड़ी डिमांड आ रही थी, आतिफ भाई की छत पे जो है मौजूद है हम। माशाल्लाह से इस बार भी शौक हो रहा है और मैं शौक जो है देख के शौक हो गया हूँ माशाल्लाह से। बिल्कुल भाई, अगर मैं कहूँ ना आतिफ भाई ने छत पे कैटल फार्म खोल लिया है तो ये जो है ये कोई अल्फाज भी है ये गलत नहीं होंगे। तो आतिफ भाई माशाल्लाह से पिछले साल अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बिल्कुल इस साल जो है मजीद आपने और जो है मतलब एक तरीके से भरपूर आए मार्केट में, और सुना है बाकी सब सेट है भाई। शौक कैसा जा रहा है? शौक तो माशाल्लाह आपके सामने भी आप दिखाते हैं। सही सही, चले भाई अब ये है कि मैं अंदर चलता हूँ, ठीक है, यहीं से जो है बस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। बाकी आतिफ भाई ज़रा खोलें, ज़रा लोगों को दीदार वगैरह कराएं। ओए होए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आतिफ भाई ये क्या कैटल फार्म खोल लिया आपने अभी से? भाई शौक है ये तो है यार, ये मतलब मैं कहता हूँ छत पे मतलब ऐसे जानवर आप रख रहे हो वो भी मैं कहता हूँ चलो छत भी हो ना कोई बहुत बड़ी जगह हो। ओए होए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, 2 बछड़ियाँ माशाल्लाह से आतिफ भाई ने रखी हुई हैं, ये तो मैं कहता हूँ कोई बाड़े वाली जो फार्म वाली चीज़ होती है ना वो है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, असल में यार जानवर होता है वो घर पे अभी पाला हुआ है। ओए होए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आतिफ भाई माशाल्लाह से कितना टाइम हो गया इसको आपके पास? तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, 6 महीने से आपके पास है, बिफोर की पिक्चर है आपके पास पुरानी? सही भाई, असल में थोड़ा बहुत जानवर जो है घबरा रहा है और कुछ भी नहीं है। और ओए हो भले साइड में कोई इशू नहीं। और क्या दांतों में क्या है माशाल्लाह? फ्रेश 2 दांत हो रही है। ओए हो यार, बछड़ी जो है थोड़ी घबरा रही है और वो अपनी जगह पर जाना चाह रही है। आतिफ भाई मैं देख रहा हूँ पिछले साल भी 2 बछड़ियाँ, खैर छोड़ दें छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ पिछले साल भी 2 बछड़ियाँ, इस साल भी बछड़ियाँ। इस साल भी बछड़ियों का ही शौक है मेरे को असल में ना। अच्छा, आपको बछड़ियों का ही शौक है, कोई इसका कोई रीजन है? बस ऐसे ही। अच्छा, बछड़िया थोड़ी सी अच्छी पल जाती है। अच्छा, और मारने मुड़ने का भी डर नहीं होता बछड़े, आपको पता है छतों पे। सही, मुश्किल है बछड़े पालना। सही सही, ये तो है, बछिया इतना तंग नहीं करती, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी माशाल्लाह से मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल जो थी बछड़ियाँ वो अच्छी थी, मतलब वो भी सही थी नस्ली, वो भी वजन में भी, ये तो मैं कहता हूँ कि वो ये नस्ल में भी है वजन में भी है, गुलाबी का एक अलग ही मजा होता है। अभी ये तो मीट वेट भी माशाल्लाह आपके सामने ही, कितना होगा अंदाजन दे दे, मतलब तकरीबन 7.5 मन। अच्छा भाई, बकौल आतिफ भाई के 7.5 मन होगा भाई, एक्यूरेट इनका भी नहीं क्योंकि काटा नहीं है, क्योंकि वरना बहुत से लोग वरना नाराज ना हो, थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करें जरा इसको, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ भाई, वरना मुझे देख के जरा थोड़ी घबरा रही है और कुछ भी वाली बात नहीं है। समझ गया भाई, असल में ये जगह जो एक ऐसी है ना, यहाँ से ये छत स्टार्ट है वहाँ तक है,
माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सही। वो हमें देख के थोड़ा पिछले साल वाली भी जैसे ही कर रही थी, सही। मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ भाई। आतिफ भाई पिछले साल जैसा एक एक्सपीरियंस था आपका पालने का, इस साल कैसा एक्सपीरियंस रहा है? उससे भी अच्छा रहा है, उससे रहा है, मतलब उससे चीज़ आपने सीखी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर इंसान सीखता ही है। हाँ तो आतिफ भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, फ्यूचर में क्या अपना कोई है कोई सेटअप पलाई वलाई का भी? अल्लाह ने चाहा तो अच्छा बकरा ईद के बाद बाड़ा डालने का इरादा है। नहीं करो यार, तो भाई मैं कहता हूँ भाई इसी तरीके से लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब छत से। लोगों ने माल पलाई के लिए भी पिछले साल बोला था। अच्छा ऐसी कोई जगह नहीं थी, सही। तो थोड़ा जिनको आपने मतलब जिनकी मतलब कॉल वगैरह आई थी, सही सही। कोई नाम वगैरह रखा है इसका? यार रख लो यार नाम, फिर नाम अभी तक नहीं सोचा कुछ। नाम रखना यार, पिछले साल वालों का नाम था ना कुछ, मैं भूल गया। और मुस्कान, हाँ इस साल वालों का नाम नहीं है। आप लोग बाकी ये है कि आप लोग मुझे जो है जो वीडियो देख रहे हैं भाई वो जो है कमेंट में सजेस्ट करो माशाल्लाह से। और खैर हो गई, इसको छोड़ दें, अंदर अंदर ही मस्ती कर रही है, कोई मसला नहीं, छोड़ दें। अभी दांत में दो बताइए आपने, फ्रेश दो दांत हो ये। नेक्स्ट ईयर के लिए भी बंदा इसको पाल सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मतलब एक जो असल अगर ये जो शौकीन बंदा है और गुलाबी माशाल्लाह भाई माशाल्लाह बड़ी। अच्छा मेरी आतिफ भाई से बात हुई थी जब बकरीद की बात, तो वो ढूंढ रहे थे। हाँ तो इस बार काफी मतलब जद्दोजहद, आपने कहा था कि इस बार लूंगा तो माल ढूंढने में, सही। तो आतिफ भाई क्या सीन क्या है, माशाल्लाह दो बछड़ियाँ हैं आपके पास, तो क्या इसमें सेल वेल क्या भी है कोई? ये एक ये सेल की है। वो मतलब अभी नहीं करनी, वो सेल नहीं करनी, वो सेल का इरादा नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, आतिफ भाई का भी है कि नंबर वगैरह भी चला देंगे हम इंशाल्लाह, किसी भाई को भी समझ में आती है तो भाई उनसे रब्ता कर ले, ठीक है। ये उनकी अपनी मर्जी है, वो कितने में सेल करें क्या मामला है ये मुझे भी नहीं पता है भाई। क्यों आतिफ भाई, मैंने आपसे रेट भी नहीं पूछा, क्योंकि मैं सिर्फ एक शौक कवर करना है आपका, सही है भाई। और चलें खैर इसको बांधने, आप ज़रा दूसरी वाली तो निकालें माशाल्लाह, तो वो है छोटी लेकिन है वो भी मतलब माशाल्लाह से पूरी खूबसूरती में। नहीं करो यार, पिछले साल वाली भी मुझे याद है छोटी नहीं तंग किया था। इसको अंदर ही खुली हूँ, बाहर नहीं ले रहा। अच्छा आतिफ भाई पिछले साल जो है आपने जो है क्रेन से जो है उतार दिया था माल अपना, जी, वो भी इतनी जी जगह से, जी, तो इस साल क्या सीन है? इंशाल्लाह क्रेन से उतारेंगे। नहीं करो यार, क्रेन से ही उतारोगे इस साल भी? जी क्रेन से ही उतार। ओहो मतलब हमें एक और मिल ली है फिर, क्रेन की अनलोडिंग मिल ली है फिर इंशाल्लाह। चलो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, इसको अंदर ही रखूंगा मैंने, काली वाली बच्चे को थोड़ा सा बाहर तंग कर तंग करती है। चलो यहीं पे ये खोल के दिखा दो बस, आपको पता है जब असल में यहाँ पे कारपेट एहतियात कारपेट बिछा। नहीं नहीं सही है सही, नहीं नहीं यार एहतियात जो है इलाज से बेहतर है, इस अच्छा है बंदा जो है मतलब बस। तो वो क्या है मतलब वो दांतों में क्या है वो वाली? बिल्कुल तैयार है ना, झीरी झीरी मारी हुई बस 15-20 दिन में गिरा देगी तकरीबन। अभी तो बकरा इसमें भी 2 महीने है। हाँ ये भी है माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, मतलब अभी मैं आपको दिखाएंगे बिफोर की। पहले की दिखाऊंगा। मैं ये कहना चाहूंगा यार ये बछड़ी जो है वीडियो में कुछ नहीं लग रही है, लेकिन ओए होए भाई ये आपके सामने उधर भाई, यार आते भाई क्या कोई कोर्स वोर्स करके आ रहे हो, मतलब बछड़ियाँ इतनी इतनी बड़ी कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? एक बोल अभी यूट्यूब पे चल रहा है नसीब पलता है, वो बिल्कुल बेशक नसीब पलता है, मगर नसीब भी जब पलता है जब आप उसको खिलाओगे। देख लो भाई आपने अपने उससे बात कर दी है ये अपने, और कुत्तर पे हाँ नसीब नहीं पलता, माल खिलाता है तो इंसान नसीब पलता है, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है अपनी बात है, ठीक है। अब आपने जो बात की है मतलब ये वाला जो मतलब आपने वो की है बात, ये आपने अपने उससे ही की है भाई, बिल्कुल सही है। हाँ क्योंकि मैंने तो इसका मुझे पता भी नहीं था नसीब वाली बात, लेकिन ठीक है भाई बछड़ी आप जो है दिखाओ माशाल्लाह से। लेकिन क्या क्या मतलब इसको क्या क्या डाइट क्या है इनकी, मतलब खिला वाला क्या रहे हो? डाइट में दलिया, हाँ अट्टी है, खले, सही। वो है भिगोई भी है, पिछले साल दिखाई थी आपने, माशाल्लाह गोला वोला उतारा हुआ माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। थोड़ा ना डरती है बस, ये तो है हकीकत है यार। बछड़ों का बिल्कुल शौक नहीं है क्या आपको? बछड़े भी रखेंगे इंशाल्लाह, नीचे की जमीन पे रखेंगे। अच्छा अच्छा वो जाओ इंशाल्लाह अपना, सही। अभी क्या सिर्फ आप क्या जॉब वगैरह कर रहे हो या पिछले साल बता दें? तो जॉब के साथ कितना मुश्किल होता है फिर? मुश्किल तो बहुत है, अभी भी आपके सामने आया हूँ मैं, सही सही। शौक तो हकीकत बात है, शौक करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है, मतलब जॉब के साथ मतलब कितना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल तो बहुत है, सही। क्या वंडा वगैरह का क्या टाइमिंग क्या रहता है? सुबह तकरीबन 9 बजे लगाता हूँ सुबह का वंडा, सही, और रात का मैं लगाता हूँ 9 बजे 12 घंटे का टाइम। अच्छा अच्छा सही सही। भाई कैसा अभी घर वालों का कैसा सपोर्ट है? बिल्कुल मेरे को कोई घर वाले अल्लाह का शुक्र है हमारे खुश शौकीन है वो भी, जी, जी, भाई भी देख रहा हूँ माशाल्लाह से। नाम भाई का नाम भूल गया यार मैं, दानियल।
दानियल भाई जो है मतलब जो है माशाल्लाह से साथ होते हैं, इसका क्या वैसे अंदाजा दे दें वैसे? ये भी तकरीबन उधर भाई 4.5 मन मीट वेट में आराम से इंशाल्लाह बैठे और अभी का मजीद तकरीबन 2 महीने है। अच्छा, तो इंशाल्लाह और अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, जैसे जैसे गर्मी पड़ती रहेगी वैसे माल खुलता स्टार्ट। ये तो हकीकत, मैं आपको दूध की बाल्टी भी दिखाता हूँ। सही, मेहनत मैंने बहुत की है भाई यार। हाँ वो तो है, आपके सामने रिजल्ट आपके सामने, ये तो है भाई। ये मक्खन सही, तीनों चीजें चली हुई फिर जाके ये माशाल्लाह से जो है ये जाके रिजल्ट आया माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह इतने बहुत अच्छा उतारा। अब नीचे की जगह नहीं है ना, वरना तो फिर शशके मशके नीचे जमीन पे मतलब थोड़े बहुत हार वार पहना के फिर थोड़ा घुमाओ थोड़ा। सही है यार माशाल्लाह से। लेकिन चले बाकी है कि बस मुझे वो है कि अनलोडिंग का जो होगा जी जी इंशाल्लाह, वो भी क्रेन से फिर उतरेंगे, जाहिर सी बात है माशाल्लाह वेट इतना है। अच्छा जब लाए थे तो वो कैसे मतलब? तो मैंने सीढ़ियों से, सीढ़ियों से कम था ना थोड़ा। हाँ ये भी है, ये भी है, और सीढ़ियों पे भी बाकायदा मैंने रेंट पे कारपेट लिए थे। अच्छा चले भाई आए जरा अपना वो थोड़ा दिखाएं जरा क्या क्या आप दूध वगैरह जो बाकी चीजें बता रहे थे। सही सही ठीक है भाई, ये गोल्ड इसमें तो अभी दलिया भीगा हुआ है शाम के वनडे के लिए इनका। सही सही, अभी टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग 9 बजे दूंगा ना रात में। सही सही रात में, और क्या क्या चीज़ें भाई? और सामान भाई दिखाएं दिखाएं जरा, बकरे बकरे भी रख लिए भाई अब तो माशाल्लाह। शौक तो आपको फुल, मैंने इंट्रो में कहा था ना कि बकरे हैं पीछे, बस यही कर रहे थे शौक। बकरे कौन से आपका? सारे अपनी कुर्बानी के? ओए होए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बछड़े की चाल चेक करो। ओए होए माशाल्लाह, वो देखो बछड़ियों के पास चला गया। बस ये नहीं गया नहीं, कौन से दोनों कुर्बानी के? ये इसमें से एक कुर्बानी का एक सेल का, ये वाला सेल का। अच्छा ये वाला सेल का है, ये कौन सा? ये है कौन सा? ये क्या नाम है? टेढ़ा है, टेढ़ा ही है। अच्छा क्या दांतों में क्या है? दांतों में बिल्कुल, ये अभी ताज़ा ही 2 दांत हुआ है। सही है भाई, दांत भी दिखा दिए हैं। ठीक है अच्छा भाई, बकरों का मुझे इतना अंदाजा नहीं था इसलिए आते भाई से मैंने पूछ लिया। और आपका वाला दांतों में क्या है माशाल्लाह? ओए होए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अभी तो इसमें सरसों का तेल स्टार्ट हुआ है। हुआ है अभी मतलब, और मजीद जो अभी तो बच्चा है मतलब, अभी तो तकरीबन बच्चा ही है, 2 दांत में हुआ है अभी। सही, वो क्या दांतों में माशाल्लाह? वो भी 2 है आपका कुर्बानी का? कुर्बानी वाला है। पिछले साल मेरे ख्याल में एक कोई छोटा सा था आपके पास? पिछले साल भी टेढ़ा था, एक टेढ़ा था, वो भी खुद ही काटा था। घर में ही काटा। सही, और ये भी 2 ही है माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये कौन सी ब्रीड है? ये बिस्तर टापरों में, बिस्तर टापरों में आता है, हैदराबादी टापरों। समझ गया समझ गया, सही है यार माशाल्लाह आते भाई। हाँ इधर वंडा भी दिखाएं भाई, क्या बातें नहीं करते हैं सिर्फ है भी भाई। नहीं ये खा ले। सही है भाई, खा लो भाई। बकरों के छिलके हैं, ये दलिया है, दलिया है ये अपना वाला है जो इंसान खाते हैं। अच्छा ये भाई, अब जो इंसान खाते हैं वही वाला जो है जानवर भी खा रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। चने की हट्टी है। ओए होए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सही है सही। वैसे क्या पड़ोसियों वड़ोसियों का कोई मामला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं? उधर आपने देखा ही होगा नीचे, मैं तो देख रहा हूँ नीचे बैठे हुए, और एक शौक और भी चल रहा है। और ये छिलका है, सही है। छिलका मैं अभी क्यों झूठ बोलूं, मैं अभी देने लगा हूं जब से गर्मियां तेज हुई है ना। सही, ये कि इससे छिलके से थोड़ा जल्दी हाजमा हो जाता है। सही है, जल्दी हो जाता है जानवरों का ना वंडा। बाकी वैसे तो मैं नहीं देता था पहले। सही, और जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना। सही, तो मैंने छिलका बढ़ा दिया। आतिफ भाई शौकीनों के लिए कोई मैसेज दे दो यार, मतलब देखो माशाल्लाह से। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो तकरीबन पिछले साल भी इतना अच्छा शौक किया यार, अजान हो जाए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई अजान जो है ख़त्म हो गई थी, हमने बोला भाई आतिफ भाई को देखें। भाई आतिफ भाई माशाल्लाह से ये बताएं, पिछले साल भी आए हूँ तो साफ़ सफाई जो है फुल आपने रखी हुई है, जो कचरा होता है आप साइड पे रखते हो? बिल्कुल भाई, उदेर भाई सफाई से ही जो माल पलता है। ये तो है, मतलब सफाई होगी तो ईमान है, वैसे भी हम हकीकत है भाई, हकीकत है हमारा ईमान है इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, सफाई तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है यार। मैं कहता हूँ यार इतनी सी छोटी जगह पे आप माशाल्लाह से इतना, मतलब आपने इसको माशाल्लाह से आप कर दे दो क्या मतलब? बस माशाल्लाह तो उदेर भाई, हाँ शौक इतना है ना, बिल्कुल यकीन माने शौक की कोई इंतहा नहीं है, शौक का मोल नहीं है कोई, शौक का कोई मोल नहीं है। अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मुझे बड़ा शौक है मेरा अपनी जमीन, मतलब नीचे की जमीन पे मैं अपना माल भी पालूं और बाकी लोगों का भी शौक कराऊं, जो जैसे मैं नीचे से ऊपर आया हूं। सही, इतना मतलब माशाल्लाह से पहले मैं भी बकरे ही रखता था। हाँ आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल बाद चेंज हुए, आज माशाल्लाह से आपके सामने 2 साल हो गए मेरे को घर पे माल पालते हुए, और 4 साल तकरीबन मेरे को बकरा ईद का काम करते हुए कुर्बानी वाले। अच्छा अच्छा सही, अल्लाह का एहसान है भाई, आपके सामने माल जैसा मैंने पाला है। बिल्कुल भाई, नहीं मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई कि आतिफ भाई का ये कि मतलब एक होता है ना भाई, लोग शौक कर रहे होते हैं ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी होता है साथ होता है, लेकिन अब आतिफ भाई को मैंने देखा पिछले साल जैसे अपना माल पाला है उन्होंने, उसमें ही बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट थी, इस साल तो माशाल्लाह से और भरपूर, और इस बार
मतलब नस्ल वाली चीजें रखी है माशाल्लाह। एक मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ। मुझे शौक नहीं है, अब मुझे जुनून है इसका। जुनून हो गया भाई, जुनून है मेरे को ये भाई, ये शौक अब जुनून की हद तक पहुँच चुका है। यही भाई, यही मैं कहता हूँ कराची वालों का यही मतलब एक शौक है। और अच्छा अभी आप तो बताएं तो जगह की कौन सी है, कहाँ रखा हुआ आपने माल? मेरी जांगी रोड का इलाका है। सही है, 380 से एक स्टाप आगे जांगी रोड मेन यूटिलिटी स्टोर वाली गली में ही पहली गली। सही सही, बाकी वो आपसे रब्ता कर ले तो इंशाल्लाह। भाई को भी कांटेक्ट करना हो तो रब्ता कर ले, मैं अपने लोकेशन बता दूंगा। चलें ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये उधर भाई नसीब वाला ही लेके जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नसीब वाला ही लेके जाएगा। और बाकी मैं फोन पे पैसे नहीं बताऊंगा इनके, सही है ना, मैं बताऊंगा डायरेक्ट। आप विजिट करें आके, पे विजिट कर लें, विजिट करें, चीज देखें, उसके बाद में बंदा बात करता है तो अच्छा भी लगता है। मैं मांग लूं, एक मिसाल है, मैं मांग रहा हूं 20 लाख रुपए। नहीं इतने नहीं मांगेगा, अब लोग आवाम देख के चल जाएगी। एक छोटी सी बात कर, एक मिसाल दे रहे हैं जी, बिल्कुल। अब मैं फोन पे ज्यादा मांग लूं पैसे और चीज इतने की नहीं है, बंदा आए तो अच्छी बात है। ये हकीकत है, हकीकत आके रियल में देखे, ये कौन सा हाईवे पे तो जगह है नहीं, शहर के अंदर भी, शहर में आओ और ले जाओ। फिर आने का दिल करे रात को 1 बजे 12 बजे बंदा आ सकता है, आ सकता है, कोई इसमें वो नहीं है यार, टाइमिंग है जगह की। वैक्सीन वगैरह का बताएं? वैक्सीन तो मैं खुद करता हूँ। ठीक है ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी वैक्सीन करी और अल्लाह का शुक्र है दवा लंपी नहीं आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। शौकीनों के लिए भी और बहुत से फार्मरों का भी पिछले साल बड़ा नुकसान। सही सही, और मेरी अपनी भी बच्चियां लंबी में आई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में पकड़ ली थी कुर्बानी की। नहीं नहीं, वो जो मैंने छोटी बच्ची। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। अच्छा आते भाई, बस यहीं पे वीडियो का जो है वाइंड अप करते हैं, एंड पे रखते हैं। बस आप मुझे जाते जाते ये बता दो कि शौकीनों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि माशाल्लाह से पिछले साल आपने शौक किया नेक्स्ट लेवल, अब इस साल कर रहे हैं तो वो तो नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल ले गए। ये फार्मर वाला शौक, ये आते भाई ने खुद को अपने आपको फार्मर बना दिया, मतलब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा भाई बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी है कि देखें, मैं वैसे मैंने सेल वगैरह में मेरा कोई वो नहीं है, आपको पता, जैसे ना मैं उसमें कोई घुसता हूँ, मैं सिर्फ शौक के लिए आता हूँ, ना कुछ वो है ना, मैं सिर्फ उसमें वो आता हूँ, सिर्फ मैं सिर्फ आता हूँ, मैं बस ये चाहूंगा। लेकिन अगर आप किसी भी हमारे जो है सब्सक्राइबर्स को देना तो उसके लिए बस मोहब्बत कर लेगा थोड़ी बहुत। बिल्कुल ठीक है, अब किसी के पास जगह है नहीं है, जैसे एक मिसाल है कोई देता भी है ना मेरे पास ही छोड़ता है 15-20 दिन के लिए, अगर एक महीने के लिए, ईद तक या उससे पहले कोई मसला नहीं है, भले मैं अपने, मेरा तो खुद अपना, मैंने आपको बताया था कि मेरा खुद इसके ऊपर शौक है, इतना दिल है, मैं इसको 2024 पे लेके जाऊँ। अच्छा, मगर मेरी कुछ मजबूरी है जो मैं इस वजह से इसको नहीं लेके जा सकता। सही, बाकी है की कोई भी एक मिसाल है, जैसे कोई कुर्बानी नहीं करता इसकी, नेक्स्ट ईयर के लिए इसको लेके जाता है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ऊपर आएगी, बहुत बछड़ी ऊपर आएगी। सही, चलें ठीक है, आते भाई यहीं पे ज़्यादा चाहूँगा आपसे भाई, और भाई माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लगा इस बार भी आपका शौक देख के, और मैं मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है मजीद आपके शौक में बरकत दे, और इंशाल्लाह आपकी जो एक ख्वाहिश है और आपका एक है ख्वाब है कि आपका फार्म हो जाए, तो भाई हमारी तो दुआ है कि इंशाल्लाह आपका फार्म हो, अगली बार हम फार्म पे विजिट करें भाई। जी बिल्कुल, ठीक है आते भाई, बाकी कोई भी अगर जैसे कोई बात बुरी लगी हो आपको या कुछ लगी हो, और बाकी हमारे चैनल वगैरह के लिए आप अपने माशाल्लाह से, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, आपकी तकरीबन वीडियो देख, अरे ये मोहब्बत आप लोग, सीजन स्टार्ट हो चुका है और आपने यकीन माने पूरी रमजान गर्मी के अंदर, यार बस यार आप लोगों की मोहब्बत है, बड़ी बात है, आप लोग रमजान में जाके आपकी रिहाइश भी इतनी दूर है, मलीर से आपको पता है 1 घंटे का रास्ता है वहाँ से, ये आप माशाल्लाह से मेहनत करते हैं यार, देखे इंसान मेहनत करता है तो एक ना एक दिन अल्लाह पाक उसको कामयाब आता ही है, आता ही है, भले चाहे 6 महीने लगे चाहे साल लगे मगर रिजल्ट आता है। सही, बाकी है कि आपका चैनल माशाल्लाह से और ऊपर आएगा इंशाल्लाह, दुआ चाहिए आप भाइयों की। बाकी यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं भाइयों, मुझे तो इंशाल्लाह ऐसे शौक वगैरह कवर करते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।